हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्पिंग बॉय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग आज का वीडियो से गेन करेंगे, जो शायद आपको यूट्यूब पे कोई भी लाइव अपने वेबसाइट के साथ एग्जाम्पल के साथ नहीं दिखा होगा। हम लोग ऐसे कुछ शानदार चीज़ सीखेंगे आज का इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कोई स्टेप बाय स्टेप कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको मेरा एक वेबसाइट दिखाऊँगा जो मेरा बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ मैं, और उसका कैसे कस्टमाइज है, उसका कैसे ऐड आता है। बेसिकली आज का वीडियो होगा आपका वेबसाइट डेकोरेशन, आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसे आपको हाई CPC ऐड आने पे गूगल के साइट से कैसे हेल्प करता है, उसके बारे में सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ सीखेंगे, उसका पूरा डिटेल आपको मैं जब बोलूँगा स्टेप बाय, मतलब जो भी है, मतलब वीडियो में आगे बढ़ूँगा तो आपको मालूम होते जाएगा क्या क्या हम लोग सीखेंगे। लेकिन ओवरव्यू आप समझ लीजिए कि कुल मिला के आज का ये वीडियो वेबसाइट का ऐड कैसे हम लोग अच्छे कर सकते हैं बाय मेकिंग आवर वेबसाइट गुड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरा वेबसाइट को दिखाना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल बिजनेस के लिए है, और इधर में कोई SEO वगैरह मैंने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बिज़नेस के लिए है। क्योंकि मैं पहले मैं आपको वेबसाइट को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख पा रहे हो, वेबसाइट का नाम है suryaxrayclinic.com, ठीक है। suryaxrayclinic, ये नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो है एक एक्सरे क्लिनिक है, मतलब एक मेडिकल स्टोर नहीं, मेडिकल जिधर से फैसिलिटी दिया जाता है, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ECG, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बहुत कुछ, मतलब जिधर से मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पूरा साफ साफ आपको दिख रहा है, साइड में जो गूगल मैप आ रहा है न्यू सूर्य एक्सरे क्लिनिक, वो हम लोगों का जो दोस्तों एक्सरे क्लिनिक है, इधर में हम लोग हर तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों का और एक ब्रांच है जिसका नाम है सूर्य एक्सरे क्लिनिक। तो कुल मिला के सारे ब्रांच का एक ही मेन वेबसाइट है जिसका नाम है सूर्य एक्सरे क्लिनिक, ठीक है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गूगल में सर्च करिए तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा, मैप भी आ जाएगा। रेटिंग भी देख सकते हैं कितना रेटिंग है इसका, 15 गूगल रिव्यू और 5 स्टार इधर में है, ठीक है। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस सही है। और ये जो वेबसाइट है, मतलब ये जो नया क्लिनिक है, पहले हम लोग का एक ब्रांच था, मतलब मेन जो ब्रांच था वो था सूर्या एक्सरे क्लिनिक, दूसरा लास्ट ईयर हम लोग दिसंबर में शुरू किए थे न्यू ब्रांच एक्सरे का, मतलब एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ECG, पूरा मेडिकल फैसिलिटी का, उसका नाम है न्यू सूर्या एक्सरे क्लिनिक, ठीक है। तो नया है लेकिन अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जो आता है पहला वेबसाइट है इसी मेरा बिजनेस का है, ठीक है। तो हम लोग पहले ओपन करते हैं suryaxrayclinic.com, हेल्थ टिप्स फिटनेस लिख के आ रहा है। तो दोस्तों गौर करिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात इधर में आपको सीखने के लिए मिलेगा। इंटरनेट स्पीड शायद थोड़ा स्लो है, ठीक है दोस्तों, देख पा रहा है इधर में ऐड भी आ चुका है, ठीक है। तो देख पा रहे दोस्तों, जब ये जो लोडिंग हुआ था पेज, तब कैसे आया था, मैं आपको फिर से दोबारा ऐड को कट करता हूँ और दोबारा फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो दोस्तों लोडिंग हो रहा है पहला इंटरफेस, ठीक है। देखिए कैसे आ रहा है, इस साइड्स दोनों साइड से मतलब आ रहा है इमेज। और दोस्तों ये है होम पेज। देखिए कोई भी बिज़नेस को चलाने के लिए आपको जो डिसेंट सा लुकिंग दिखाना ज़रूरी है। अगर आप हम लोगों का जो है, मैं फिर से टाइप करता हूँ इधर में, अगर आप हम लोगों का जो है इधर में आ जाएंगे, मतलब एक्सरे क्लिनिक में, तो आपको सीधा सीधा आपका जो है एक व्यू मिल जाएगा कैसे हम लोगों का जो है एक्सरे क्लिनिक दिखता है, कैसा पूरा क्लिनिक सेटअप है, पूरा कुछ। और दोस्तों मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा इस वीडियो में, कैसे वेबसाइट काम करता है, कैसे ऐड के बारे में बेसिकली था वीडियो, तो मैं आपको ऐड के बारे में दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको वेबसाइट को भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी इमेज वगैरह वगैरह कैसा क्या है, 15 फोटो इधर में फिलहाल अपलोड है, कुछ कस्टमर की ओर से, कुछ हम लोगों की ओर से था। तो ये था, आप देख सकते, चेक कर सकते, ऑफलाइन क्लिनिक ऑब्वियसली। एंड दोस्तों इधर में हम लोग का एक डॉक्टर का टीम है जो बेंगलोर में है और कुछ कलकत्ता का है, क्योंकि मेरा जो घर है कलकत्ता में है। तो कुल मिला के अराउंड 30 डॉक्टर जो है हम लोग के साथ अटैच्ड है, जो ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं पेशेंट, बहुत कुछ है, ठीक है। वो तो टेक्निकल ऑफलाइन है, ऑफलाइन के बारे में तो ब्लॉगिंग के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपके जानकारी में बताना चाहूँगा कि एक साथ में जो है 9 to 10 वेबसाइट फ़िलहाल के लिए मैनेज करता हूँ, मतलब 10 नहीं 11 वेबसाइट फ़िलहाल होगा, याद भी नहीं कितना है, लेकिन उधर में 8 या 9 वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल है। तो उनमें से एक बिज़नेस वेबसाइट जो था, मतलब है जो मेरा सूर्य एक्सरे क्लिनिक, उधर में मैंने एक लेकर रखा है, ठीक है। कुछ नहीं, खास नहीं, एक्सपीरियंस के लिए।
दिख पा रहे साइड पे साइड बार आ रहा है अच्छे सा। नीचे आएंगे तो आपको जो है दिख पा रहे ऐड जो आ रहा है दोस्तों इधर में पूरा अच्छा एक जो हाई क्वालिटी का ऐड इधर में आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों इसके साथ जो ऐड आ रहा है ये जो है मेन पोस्ट है, मेरा इमेज है ठीक है, मेरा ही पिक्चर है देख पा रहे तो। और साइड में जो ऐड आ रहा है बहुत ही सिमिलर टाइप का आ रहा है, मतलब जैसा मैंने इस इमेज का फीचर इमेज कस्टमाइज़ किया है और सही सेम दिखने में ऐड आ रहा है उसी साइज़ का और कलरफुल देख पा रहे। अगर आप ध्यान से वेबसाइट को देखेंगे तो पहले का जो ऐड आ रहा है, हम लोग पहले से जाएंगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ठीक है। पहले जो ऐड आ रहा है वो थोड़ा सा कलर जो उसका सिमिलर है इससे, कैसे आप लोग को पता चलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर में येलो है, इधर में थोड़ा येलो टोन है, इधर में थोड़ा वाइट बैकग्राउंड है, वाइट थोड़ा ग्रे बैकग्राउंड है, इधर में थोड़ा ग्रे बैकग्राउंड है ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐड क्या क्या करता है गूगल, गूगल हमेशा रखता है कि यूज़र को वेबसाइट का जैसा इंटरफेस होगा जैसा लुक होगा उसके हिसाब से गूगल आपको ऐड प्ले करेगा, क्योंकि गूगल का हमेशा टेंडेंसी रहता है, उसका जो मोटिव रहता है कि हमेशा ऐड को ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि यूज़र उसके ऊपर क्लिक करेगा। यूज़र कभी तब क्लिक करता है जब उसको लगता है कि ये जो सेम चीज़ है, अलग सा कोई ऐड नहीं है। तो अनकंडीशनली कभी कभी अनकंसियसली हम लोग क्लिक कर देते हैं ऐड के ऊपर और वो जाता है उसको पता भी नहीं चलता है, इसलिए गूगल हमेशा वेबसाइट के स्ट्रक्चर के तरफ से जो ऐड टाइप देता है। देख पा रहे इमेज, हम लोग डिटेल में और भी जाएंगे सर, अभी तो वीडियो जो शुरू हुआ है उसको हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग देख पा रहे, हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे फ्रंट पेज पे क्या है, होम पेज पे लैंडिंग पेज पे क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते। बेसिकली इधर में एक्सरे का कुछ स्टैंड है जो आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे तो समझ में डेफिनेटली आएगा लेकिन देख के समझ में नहीं आएगा। और बहुत ही नीचे हम लोग आएंगे, बहुत सारा कुछ इधर में है, क्लिक करेंगे तो रीड मोड पे चले जाएंगे। और इधर में दोस्तों रोड मैप है, मतलब एक क्लिनिक का मेडिकल सेंटर का एक मैप है जिधर से यूज़र को भी फाइंड होगा और दोनों में से मतलब इधर से भी एक बैक लिंक जाएगा, उधर से भी इंटरलिंक जाएगा, लिंक जूस बेसिकली जाएगा, इधर से एक से कनेक्ट होगा तो अच्छा वेबसाइट का भी रैंक बढ़ेगा, उधर का जो है रैंक बढ़ेगा। थोड़ा इधर में लाइट की वजह से मकड़ी वगैरह वगैरह है क्या है पता नहीं ठीक है, तो उसको मैनेज कर लीजिएगा कोई बात नहीं है। हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे सिंपली और कुछ नहीं है, नीचे बल्क ऐड जो आता है गूगल का ही है, टू मैनी ऐड वही मैंने लगाया था ठीक है, इससे भी यूज़र का थोड़ा इंटर मतलब जो है रिटेंशन बढ़ता है ठीक है। तो हम लोग ऊपर में अगर हम किसी भी इधर में आप क्लिक करते हैं, अगर हम लोग इधर में करते हैं फाइव लो कार्प जो हम लोग क्लिक करते हैं ओपन हो रहा है, इसको इसको थोड़ा टाइम दिया जाए क्योंकि रात के टाइम पे वाईफाई की स्पीड शायद स्लो है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं तो आपको इधर बहुत सारा चीज़ आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ जो आपको सीखने के लिए मिल जाएगा कैसे गूगल का ऐड काम करता है। लोग कहते हैं कि ये कर लो तो आपका हाई सीपीसी ऐड आने लग जाएगा, वो कर लो तो आपका जो है हाई सीपीसी ऐड उसके साथ बहुत कुछ आता है ठीक है। लोग कहते हैं समझ ले कैसे गूगल ऐड काम करता है उसको समझना पहले इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ही मेरा लाइव एक वेबसाइट के साथ एग्जाम्पल के तौर से आपको दिखा रहा हूँ जो प्रूफ रियल है आपके सामने है ठीक है। दोस्तों देख पा रहे पहले में तो एक ऐड आ रहा है आपके सामने, छोटा सा ऐड बॉक्स ऐड स्क्वायर ऐड, उसके नीचे एक पोस्ट आ रहा है, उसके नीचे जो ऐड है दोस्तों देख पा रहे पोस्ट का कलर क्या है, नीला कलर का, ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का बेसिकली। उसके नीचे विजिट साइट करके जो ऐसा ही मेरा लगभग जो इधर में आ रहा है वैसा ही सेम देख पा रहे, इमेज भी सेम लगभग। इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, मतलब गूगल जो काम करता है एकदम बेसिकली आपका वेबसाइट के स्ट्रक्चर जैसे होगा उसी हिसाब से ऐड आएगा, जैसे आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। दोस्तों वीडियो को और थोड़ा एंगेजिंग करते और थोड़ा और भी वीडियो में जान डालने का कोशिश करता हूँ मैं, तो देख पा रहे इधर में जो है ऐड उसी टाइप का आ रहा है। तो बेसिकली लोगों का इधर में विजिट साइट के ऊपर क्लिक करने का एक सबकॉन्शस माइंड में जाएगा ठीक है, अगर उसका कुछ नीडेड हो सर्च कर रहा है गूगल पे तो उसी टाइम का ऐड आएगा और डेफिनेटली उधर में क्लिक करेगा और इधर से कन्वर्शन रेट बहुत ही ज़्यादा आएगा ठीक है दोस्तों। तो यही मेन फीचर है गूगल ऐड का जो है मेन फंडा है कैसे गूगल ऐड रन करता है। और अगर आप थोड़ा भी नीचे आएंगे तो शायद आपको इधर में और एक ऐड नहीं दिख रहा है लेकिन अंतिम में एक दिख रहा है, वो भी सेम टाइप का है, सेम कैटेगरी का है, मतलब जिस फॉर्मेट से पोस्ट है स्ट्रक्चर है उसी फॉर्मेट से ये मेन जो है ऐड भी इधर से आ रहा है ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक पोस्ट को भी इधर में ओपन कर लेते हैं, एक कोविड फूड हैबिटेट नहीं हम लोग नीचे का ही ओपन कर लेते कुछ भी करते ठीक है। देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट ठीक है,
ये पोस्ट भी आप लोग पढ़ सकते हैं, पोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो देख पा रहे इधर में एक अच्छा सा कस्टमाइज इमेज है जो क्रिएट किया गया है, मेरा टीम ने किया है, तो थैंक यू माय टीम। और अगर हम नीचे आएंगे, और दोस्तों इधर में थोड़ा शायद GPL थीम होगा क्योंकि इधर में मेरा उतना फोकस है नहीं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस पर्पज़ के लिए है, कुछ SEO वगैरह एडसेंस अर्निंग का कुछ ऐसा मोटिव इधर से नहीं है। क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली एक से क्लिनिक के लिए है, लोग इधर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज में जाके, और डायरेक्ट वेबसाइट में भी कर सकते हैं, ठीक है कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए है। तो दोस्तों हम लोग ओपन कर लिए हैं और देख पा रहे हैं, हम लोग नीचे आएंगे तो इधर में सेमरश का ऐड आ रहा है, क्योंकि ब्लॉगर हो तो SEO वगैरह तो करना पड़ता है इसके लिए, सेमरश का, आरएप का, ब्लू होस्ट का वगैरह वगैरह जो होस्टिंग कंपनी है, ऐसे रिलेटेड सर्विस इंटरनेट प्रोवाइडर, उसी का ऐड लगभग मेरे हर एक साइट पे आता है, क्योंकि उसको ही सर्च करते हो। इधर से क्या मतलब आता है कि बेसिकली आप अगर किसी भी कीवर्ड के ऊपर टारगेट करते तो गूगल हमेशा अभी के टाइम पे क्या करते हैं, गूगल जो है यूज़र का पास्ट सर्च जो हिस्ट्री रहता है उसी के बेस के ऊपर जो है ऐड दिखाता है, ठीक है। तो दोस्तों उसका मतलब अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं अभी की TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कुछ भी, तो आपके कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते भर गूगल उसी को दिखाएगा, किसी भी साइट पे आप चले जाए उसमें, ठीक है। तो गूगल का अभी फ़िलहाल 2022 में गूगल काम करता है कि आपका सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे वो आपको ऐड दिखाता है, ना कि वेबसाइट का कीवर्ड के बेसिस पे। लेकिन उसका भी थोड़ा लिवेंस है, मतलब 20-80 है परसेंट, तो अभी वो फंडामेंटल नहीं चलता कि हाई CPC की कीवर्ड के ऊपर पोस्ट लिखी और आपका हाई CPC का ऐड आ जाएगा, ऐसा कुछ अभी 2022 में नहीं है, क्योंकि आपके सामने लाइव प्रूफ है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इधर में छोटा छोटा करके सेफ्टी रिंग के ऊपर है, ठीक है, ये भी मेडिकल का ही चीज़ है। तो हम लोग नीचे आएंगे और इधर में कुछ ऐड वगैरह, फिलहाल जो बल्क ऐड है, ये बल्क ऐड बहुत कुछ आता है इधर में, ध्यान नहीं देना है, मीन बेसिकली हम लोग को इन आर्टिकल ऐड एंड डिस्प्ले ऐड के ऊपर जो है फोकस करना है। तो ये ऐड और इधर में ऊपर में था, इधर में ऐड सेक्शन है, लेकिन मैं हर बार इसी ब्राउज़र से खुलता हूँ, इसके लिए मेरे इधर में मैक्सिमम ऐड जो ब्लॉक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ऐड ब्लॉकर को हटा दिया है। और दोस्तों यही है ऐड का फंडामेंटल। मैं फिर से होम पेज पे जाता हूँ और साइड में एक मेनू आपको रिसेंट टैब मिल जाएगा, सिंपल सा बात है। लेकिन यही एक जो है एक वेबसाइट का डिसेंट लुक आता है। अगर आप मेरा वेबसाइट का पहला लुक में आएंगे, पहला ओपन करते, तो आपके मन में सबसे पहले आएगा कि वेबसाइट जो बहुत ही शानदार आपको दिखाएगा, कलर से लेके, थीम से लेके, लोगों से लेके, पूरा कस्टमाइज ऊपर का नया बार, बहुत कुछ, साइट का साइड बार, नीचे का कुछ भी, सब कुछ एक अच्छा सा आपको प्रोफेशनल लगेगा, एक अच्छा सा प्रीमियम आपको फील इधर में देगा। तो गूगल भी यही चाहेगा कि यूज़र को भी एक प्रीमियम सा ऐड क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए। तो ऑब्वियसली इस साइट पे बेसिकली हाई क्वालिटी का ऐड आएगा, उसका CPC भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो यही था आपको कुल मिला के बताना कि आप जितना चाहे वेबसाइट को कस्टमाइज़ करिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, उसी के चक्कर पे बहुत सारा थीम प्लागिन, मतलब बहुत सारा थीम नहीं, बहुत सारा प्लागिन और उल्टा सीधा थीम को इंस्टॉल मत करिए, इससे आपका पेज स्पीड घट जाएगा, ठीक है। लगभग अगर आपको एडसेंस लगाने के बाद अराउंड 40 या 30 आता है पेज स्पीड, तब भी सही है, क्योंकि एडसेंस की वजह से आपका पेज का लोडिंग स्पीड स्लो हो जाता है, लेकिन वो कोई बात नहीं है, ठीक है। एडसेंस को डिजेबल करते हुए आप वेबसाइट का मतलब पेज स्पीड को चेक करिएगा, अगर वो मतलब 60 के ऊपर है या 50 के ऊपर है तो लगभग सही है, कोई टेंशन का बात नहीं। लोग कहते हैं कि 90 कर लो, 98 कर लो, उतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 50-40 मतलब अप्रोक्स में 50-50 वही जो है एक एवरेज लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसका अगर स्पीड रहेगा तो सही है, ठीक है। और एडसेंस लगाने के बाद अगर आपका 30 आ जाता है तो कोई भी उसमें नुकसान का बात है नहीं, अगर उससे भी कम आता है तब थोड़ा सोचने का बात है। और अच्छा सा होस्टिंग लीजिए, अच्छा सा थीम को कस्टमाइज करिए, कोई हेल्प चाहिए तो हेल्पिंग बॉय ऑलवेज ओपन है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका प्रॉब्लम, वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो यही था आपको कुछ बताने का कि एडसेंस का CPC कैसे काम करता है। जैसा आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही जो है गूगल एडसेंस का पूरा मेथड, पूरा पॉलिसी वैसा ही काम करेगा। तो यही था मेरा एक वेबसाइट, ठीक है, 8 वेबसाइट अप्रूव्ड है अभी, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसी में से एक है जो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यही वेबसाइट है जिधर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ पर्सनल बिजनेस के लिए। तो मैं इसको थोड़ा दिखाया जाए, क्योंकि ब्लॉगिंग का वेबसाइट दिखाने में थोड़ा कुछ होता है, समझ पा रहे हैं, उसको मैं रिवील करते जाऊँगा आगे आने वाले वीडियो में, कोई बात नहीं है, ऐसा दिखाते जाऊँगा हर एक वेबसाइट, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है। आपको सिखाऊँगा जो जो मैं जानता हूँ, जो जो मैं सीख रहा हूँ,
आप भी मुझे सिखाएंगे, आप जो जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, बताएंगे, ठीक है, बताइए प्लीज़ काइंडली। एंड यही था आज का वीडियो हेल्पिंग बॉय का, कैसा आपको लगा ये वेबसाइट का थीम, कैसा लुकिंग, कैसा डिज़ाइन, पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपको कैसा लगा, आप जाके देख सकते हैं suryaxclinic.com। और बाकी का आप देख सकते हैं क्या क्या है, आप रिसर्च भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, हालांकि कुछ नहीं मिला क्योंकि इश्यू नहीं है। और दोस्तों मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है आर्न ऑनलाइन सॉल्यूशन करके, उसको चेक करिए, इंप्लीमेंट करिए, उधर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इमेज के फॉर्मेट में देता रहता हूँ, उसको फॉलो करिए जाके, तो मिस हो जाएगा। 2-3 दिन में 40 बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन किए हैं, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोटीन चाहिए डेली के डोज पे। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको कैसा लगा वीडियो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है बताइए। और दोस्तों उसी के साथ साथ हेल्पिंग बॉय जाने का परमिशन मांगेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हेल्पिंग बॉय साइनिंग आउट। उससे पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा नहीं तो। लाइव प्रूफ के साथ ऐसा प्रीमियम चीज़ जो बहुत ही सिंपल है, लोग दिखाते नहीं है, बोलते नहीं है, लोग मतलब कॉम्प्लिकेटेड करके आपको दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन इजी प्रोसेस में सीखिए जो बहुत ही सिंपल है, इसलिए हेल्पिंग बॉय को लाइक करिए। ये एक मेन रीज़न है कि चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल है और सिंपल में ही सीखिए, यही है हेल्पिंग बॉय का मेन पर्पस। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हेल्पिंग बॉय साइनिंग आउट।